गाइस मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज रेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए सभी दिन की तरह। सो अभी क्या करेंगे, ऑफिस से कोई काम नहीं दिया गया हमको। अभी हम जाके मार्केट में बैठेंगे, वहाँ से आधा घंटा बाद ऑफिस को कोई आएगा, उसके बाद हमको काम दिया जाएगा, उसी वक्त हम डिसाइड करेंगे कि किधर जाए। उससे पहले दोस्तों, आप मेरा चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है रात को एडिट करने में। बस मैं नया बना रहा हूँ, पर क्या पता उतना ही करने में बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब 3-4 घंटा ऐसे ही चला जा रहा है। सो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। सो अभी चलते हैं मार्केट, वहाँ पे बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं ऑफिस का। जब उन्होंने देंगे मतलब मेरे को कोई लिस्ट काम का, तभी जाके हम आपके साथ शेयर करेंगे और सीधा चलेंगे काम पर। तो अभी हम काम को जा रहे हैं, मार्केट में बैठे थे पर आधा घंटा भी बैठे नहीं, ऑफिस से काम हमको प्रोवाइड किया गया। तो अभी जो काम प्रोवाइड किया गया, मतलब यहाँ से मेरा घर से लगभग 42 किलोमीटर के आसपास होगा, इतना भी करेक्टली बोल नहीं सकता पर उतना ही होगा शायद, अंदाज से बोल रहा हूँ। तो 4 काम हमको प्रोवाइड किया गया, 4 काम से जो है एक ही काम होगा और जो 3 काम है वो सब काम है, वो तो पार्ट जो है ऑफिस से हमको प्रोवाइड नहीं किया गया, मतलब ऑफिस को भी आया नहीं है इसलिए उन्होंने हमको प्रोवाइड नहीं किया है। तो अभी बोले कि एक ही काम करो, उसके बाद वो तो टेक्निकल पार्ट आ जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके लगा देना, या फिर कोई दूसरा काम आ जाए तो आप हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जाके कर देना। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको जिसको भेजोगे हम उसकी ओर जाएंगे। तो अभी हमको जाना है स्कोरों के एरिया है, वहाँ का नाम पड़दा स्कूल, जगह का नाम है पड़ोदा, वहाँ से अभी जाना है। वहाँ से जाने के बाद एक काम करना पड़ेगा, तो काम करने के बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो अभी क्या करते हैं, सीधा चलते हैं पड़दा। सोरो मार्केट का अंदर जा रहे हैं, सोरो मार्केट मतलब क्या बोलते हैं, फल मतलब यहाँ सब अनाज वनाज सब कुछ बिकता है यहाँ पे। और आगे हमको जाके आगे से राइट लेना है पड़दा के लिए, तो आगे चले आगे की तरफ। समझेगा नहीं, बोलेगा जाओ जाओ जाओ, मतलब इतना गुस्सा आता है। इतना अभी शोरूम जाएंगे, कितना शोरूम, इतना मतलब हमको लौटा देंगे, कोई भी कुछ काम वाम नहीं देंगे। देखना कुत्ते की तरह, मतलब 8-10 जो शोरूम है वहाँ पे ढूंढना होगा, ढूंढ के देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। वो लोग मना कर देंगे, उनके पास है पर वो काम क्यों करेंगे हमारे लिए, पैसा हमको मिलेगा ना, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो सीधा अभी बिना देरी के चलते हैं।
मेरा शोरूम जाके ढूंढना। अभी दोस्तों शोरूम गया था, वहाँ पे मना कर दिए, फिर दूसरा शोरूम जाना पड़ रहा है। चलते हैं देखते हैं क्या क्या होता है। अभी दोस्तों हम दूसरा शोरूम के आस पास हो गए। दूसरा शोरूम वहाँ पे क्या पता ही क्या नहीं आता है, थोड़ा घूम घूम के परेशान लग रहा है, क्या करे क्या नहीं मेरे को पता नहीं चल रहा है यार। ये शोरूम में भी दोस्तों मेरे को मना कर दी, बोले नहीं है कुछ भी, हमारा जब आएगा हम आपको बोल देंगे। सो हमारा दूसरा और काम गिरा है, मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। मतलब ऑफिस में क्या होता है, चार पांच मतलब रहते हैं ना मैनेजर, एक उधर ऐसा करके काम देते हैं, इसलिए दिल को अच्छा नहीं लगता यार, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों ऑफिस से तो बोले कि शोरूम जाके विजिट करो, पर चार पांच शोरूम गए, उनमें से दो तीन शोरूम वालों ने बोले कि नहीं हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है पुराना काम का, हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। और दो तीन जो शोरूम था उन्होंने बोले कि आप तो हमको अच्छा से मतलब सर्विस नहीं देते हो, तो आप क्यों आए हो कस्टमर का मतलब सर्विस करने के लिए, कोई कॉल कर रहा है। तो मैं क्या बोलूँ, ये ऑफिस का रूल है, ऑफिस क्या क्या है क्या नहीं हमको तो पता नहीं, पर हमारा क्या, ज़िंदगी कभी किस मोड जा सकता है कुछ पता नहीं। और ऐसे भी गुस्सा बहुत आ रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी अच्छा से सर्विस नहीं देता है, फिर भी हमको फोर्स किया जाता है, पर हम जाके बेइज्जती होते हैं। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम एक इंजीनियर हैं, हमको काम करना पड़ेगा, हम काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट भूखा रह जाएगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हैं, आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। बस अभी वो काम करते करते फिर दो काम आ गया, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे, उसको अभी करने के लिए जाना है। क्योंकि मतलब उधर काम करो, मतलब ऑफिस में चार पांच मैनेजर है, ये इधर दे दिया, वो उधर दे दिया, वो उधर दे दिया, मतलब माथामारी इतना होता है ना दोस्तों, किसी को बोल भी नहीं सकते। सो क्या करें, हमारा ज़िंदगी ऐसा है, हम काम ही ऐसा करते हैं। सो अभी बिना देरी के मैं मेरा टेंशन हो गया था, इसलिए यहाँ पे खड़ा होके आपके साथ शेयर करने के लिए सोचा। सो यहाँ पे बाइक है, और यहाँ से लगभग मेरे को जाना है 40 किलोमीटर, और खाना भी अभी तक नहीं खाया है, क्योंकि टेंशन हो गया है, दिमाग टेंशन हो गया है। सो अभी क्या करते हैं, चलते हैं काम करने के लिए। उससे पहले पेट्रोल वेट्रोल डाल देते हैं, क्योंकि पेट्रोल भी मेरा गाड़ी का ख़त्म हो रहा है। सो चलते हैं बिना देरी। जा रहा था खाना खाने के लिए, सर होटल पहुंच गया, खाना खाने लगा, मतलब खाने लगा नहीं खाने वाला था, पॉकेट में हाथ घुसा के देखा कि दोस्तों पर्स ही मिल नहीं लाया। तो फिर वो खाने का दुकान पे गूगल पे फोन पे कुछ नहीं था, छोटा मार्केट था, तो वहां से फिर से रिटर्न आ गया। और अभी जो है दोस्तों टाइम बज रहे हैं तीन बजने के लिए, और 5 मिनट बाकी है, सर 2:55 बज रहे हैं। तो अभी क्या करें दोस्तों, एक काम को जाएंगे वहाँ से, मतलब मेरे को 1500 या 1600 रुपया मिल जाएगा, उसके बाद खाना खाएंगे और क्या कर सकते हैं। वैसे भी तब तक तो मेरा जो भूख है वो मिट गया होगा, पर क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा मतलब मैं थोड़ा भोला वाला सा हूँ, इसलिए आज मेरे को ये पल बिताना पड़ रही है। वैसे भी गाड़ी में तेल नहीं है, तेल का कोई चिंता नहीं है, पेट्रोल पंप से डाल देंगे फोन पे करके, पर क्या करें अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भूख बहुत तेजी से लग रहा है, क्या पता आज का दिन क्या हुआ। जिस दिन भगवान अपना नहीं सुनते हैं, तो उस दिन जितना भी कोशिश कर लो भगवान को कोई सुनाई भी नहीं सकता, मतलब भगवान सुनेंगे ही नहीं। मतलब मैं कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आज मतलब भाई से एलईडी लगा रहा हूँ, मतलब मेरे को हार्डली जो कोई भी जितना भी क्रिटिकल एलईडी हो कि जो कुछ भी हो आधा घंटा नहीं लगता है, उससे पहले मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। पर आज जो है सबसे आसान एलईडी था लगाने का, और उसको मेरे को लग गया 1.5 घंटा, मतलब 3 से अभी 4:30 बज रहे हैं। और मैं सोचा कि वो लोग भी मेरे को थोड़ा पैसा दे देंगे, उन्होंने भी पैसा नहीं दिया, उन्होंने भी गूगल पे कर दिया। मतलब आज
मेरा मतलब मकसद खराब है, मतलब मकसद नहीं मेरा सब नसीब खराब है। आज मेरे को खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, मैं ये ठान चुका हूँ। तो अभी आपका खाने का बात छोड़िए, अभी चलते हैं सीधा दूसरा काम है। यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूरी में, तो अभी चलते हैं वहाँ पे और काम करते हैं, क्योंकि आज का जो खाना है। हाँ, और एक बात बोलना भूल गया, मतलब जल्दबाजी में काम कर रहा था, काम तो गड़बड़ हो ही रहा था। उसके बाद और एक बात है कि मेरा मोबाइल जो है उसका डिस्प्ले टूट गया, मतलब जल्दबाजी में मोबाइल नीचे गिर गया और मेरा मोबाइल जो है टूट गया। तो क्या ही बोलूँ, मतलब बोला ना, जिस दिन भगवान नहीं सुनते हैं तो लास्ट कोशिश कर लो, तो फिर भी भगवान नहीं सुनेंगे, और जिस दिन सुनेंगे ना चप्पर फाड़ के सुनेंगे। तो इस बात को छोड़िए और चले सीधा काम करने के लिए। आप खाना पीना नहीं होगा, कुछ खाएंगे ही नहीं। तो हमने सारा काम खत्म, आप मास्क पहना हुआ है दोस्तों, अभी हमने सारा काम खत्म कर लिया है। मिट्टी फिट्टी हुआ है माथे में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करके लौटना पड़ा। बहुत जोर से भूख लगा है, पास में पैसा नहीं है, सब के सब आज गूगल पे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं। यहाँ का देखिए, नीचे पानी जा रहा है, गाड़ी खड़ा है और शाम अभी होने वाला है, देख सकते हैं चारों ओर अंधेरा होते जा रहा है। सो अभी टाइम बज रहा है 5:30 और मोबाइल भी तोड़ दिया मैंने जल्दबाजी के कारण। तो क्या करूँ, आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।